यानी कि इसकी प्राइस 11,000 रुपए है मात्र। हेलो दोस्तों, टेक मी वर्ड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल से नहीं जुड़े तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, साथ में ही घंटी का निशान जरूर दबाएं। दोस्तों, सोलर की सीरीज में आज बात करने वाले हैं ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी, वो है कट सेल टेक्नोलॉजी या फिर हाफ कट या मोनो कट टेक्नोलॉजी। तो मेरे पास है आज वारी कंपनी का 445 वाट का हाफ कट टेक्नोलॉजी वाला सोलर मॉड्यूल। बात करते हैं वारी कंपनी की। तो भारत की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो वारी कंपनी है, जिसके पास 2 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है और ये कंपनी 14 सालों से सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कर निर्यात कर रही है। ये कंपनी 3 वाट से लेकर 450 वाट तक के सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पॉली टेक्नोलॉजी, मोनो, मोनो के बाद मोनो पर्क, हाफ कट जिसको अपन कट सेल भी बोलते हैं, और उसके बाद में बाइफिशियल जो एडवांस एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो दोनों तरफ से बिजली बनाते हैं, और उसके बाद में फ्लेक्सिबल सोलर पैनल भी ये बनाती है जो आप मोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये 445 वाट का जो हाफ कट टेक्नोलॉजी का सोलर मॉड्यूल है, इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। हाफ कट सोलर पैनल क्या है? हाफ कट सोलर पैनल एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हाई परफॉर्मेंस सोलर पैनल है, जहां हम देखते हैं कि नॉर्मली सोलर पैनल 60 या 72 सेल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर हाफ कट सोलर पैनल में सेल्स को बीच में से काट कर आधे कर दिए जाते हैं और ये सामान्य सोलर पैनल के साइज में ही डबल होकर 120 या 144 छोटे छोटे सेल्स हो जाते हैं। इससे ये फायदा है कि सेल्स छोटे होने की वजह से रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे पैनल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और पावर ज़्यादा मिल पाता है। और यहाँ पर जब नॉर्मल सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं, वहाँ बड़े बड़े सेल्स होने की वजह से पैनल में तनाव के कारण सेल्स में क्रैक आ जाते हैं और कभी कभी टूट भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स होने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं आता है, छोटा से छोटा क्रैक भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, इसको अपन बस बार बोलते हैं। जो एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल होते हैं जैसे पॉली या फिर मोनो, उसमें आपको 5 ही बस बार दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 9 बस बार दिखाई देते हैं। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको RFID मिल जाती है और उस साइड आपको QR कोड मिल जाते हैं। सोलर पैनल के साइज की बात करते हैं तो लेंथ यहाँ पर 2094 mm और विड्थ यहाँ पर 1038 mm और थिकनेस यहाँ पर 35 mm देखने को मिल जाती है। अगर वजन की बात करते हैं तो 23.5 किलो इस पैनल का वजन है। यहीं पर अगर अपन सोलर सेल की साइज की बात करते हैं तो 83 × 166 mm यहाँ पर सोलर सेल की साइज मिल जाती है। यह सोलर पैनल 144 सेल से बना हुआ है। यहाँ पर अगर फ्रंट ग्लास की बात करते हैं तो 3.mm आर्क कोटिंग के साथ लो आयरन व टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ है। सबसे बढ़िया बात, ये पैनल 2 भागों में डिवाइडेड है। अगर यहाँ पर छाया आ जाती है तो ये पार्ट है वो पूरी तरह बिजली जनरेट करता रहता है। अब बात करते हैं अपन इस पैनल के बैक साइड की। तो यहां पर मिलता है आपको सबसे पहले टेक्निकल स्टिकर। यहां पर सारी स्पेसिफिकेशन दी गई है कि ये मॉड्यूल कितने वाट का है, VOC कितना है, शॉर्ट सर्किट करंट कितना है और ओपन सर्किट करंट कितना है, वो सब कुछ यहां पर आपको मिल जाता है। यहां पर टेक्निकल स्टिकर के बाद IP68 वेदर प्रूफ जंक्शन बॉक्स मिल जाता है, जो आधा मीटर DC केबल MC4 कनेक्टर के साथ दिया हुआ है, जिसे आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस, दोस्तों अगर आपके पास पहले से ही इन्वर्टर और बैटरी है तो सिर्फ आपको ये वारी का 445 वाट का सोलर पैनल ही इंस्टॉल करना है, लेकिन आपने बैटरी और इन्वर्टर भी नया लिया है, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर आपके पास जो सोलर मॉड्यूल है वो 24 वोल्ट का है और बैटरी 12 वोल्ट की है, तो इसको चार्ज करने के लिए आपको MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर की जरूरत होती है। तो मेरे पास ये MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है और साथ ही ये 150 Ah की 12 वोल्ट की बैटरी है। इंस्टॉलेशन करना बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पर इन्वर्टर के बैक साइड में एक लाल कलर का और एक काले कलर का टर्मिनल मिलता है, जिसको आप बैटरी के यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है वहाँ पर लाल टर्मिनल को जोड़ेंगे और माइनस लिखा हुआ है वहाँ पर आपको ब्लैक टर्मिनल को जोड़ेंगे। अब आप सोलर पैनल के बैक साइड में आ जाइए।
यहाँ पर आपको मिलता है दो केबल, इससे आपको जहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है वहाँ तक जो वायर ले जा रहे हैं उसको कनेक्ट करना होता है। तो प्लस वाले से प्लस को कनेक्ट करना है और माइनस वाले को माइनस से कनेक्ट करना है। दोस्तों, सोलर से इन्वर्टर तक की जितनी दूरी कम होती है उतना ही आपको बिजली जनरेशन में फायदा मिलता है। लाइव परफॉर्मेंस, ये 445 वाट का वारी कंपनी का सोलर मॉड्यूल कितना जनरेशन करता है, बादलों में कितना करता है, नॉर्मल वेदर में कितना करता है, और अगर मैं यहां पर एक पार्ट में अगर मैं शेडो कर देता हूं तो जनरेशन कितना होता है, चलिए लाइव देखते हैं। तो यहां पर जैसे सबसे पहले आप टेक्निकल स्पीकर पर आ जाइए, तो मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 10.81 एम्पियर और 41.19 वोल्टेज। यहां पर मैं नॉर्मल वेदर में अभी चेक कर रहा हूं, तो यहां पर आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो करंट आ रहा है वो 10.26 एम्पियर आ रहा है। अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो 41.0 वोल्टेज यहां पर आ रहा है। अब मैं यहां पर बादलों में चेक करता हूं, बादलों में मैं ये करंट चेक कर रहा हूं तो यहां पर 6.92 यानी कि 6.92 एम्पियर आ रहा है, और वोल्टेज चेक कर रहा हूं तो 36.6 वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों, ये सोलर पैनल दो पार्ट से बना हुआ होता है, और ऐसा बोलते हैं कि एक पार्ट पे अगर छाया आ जाती है तो दूसरा पार्ट बराबर काम करता है। तो चलिए ये लाइव प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि ये सोलर पैनल है, इसके एक पार्ट पर हमने यहाँ पर छाया कर दी पूरी तरह। छाया करने के बाद आप देख रहे हैं कि करंट 4.34 एम्पियर है और वोल्टेज यहाँ पर 20.4 एम्पियर है, यानी कि जस्ट इसका 50% करंट तो जनरेशन हो ही रहा है। वारंटी, क्या दोस्तों इस सोलर मॉड्यूल की कोई गारंटी वारंटी होती है? हाँ दोस्तों, हर कंपनी आपको बोलती है कि हम आपके साथ 25 साल है, यानी कि 25 साल की वारंटी है, लेकिन इसमें भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। ये जो सोलर मॉड्यूल है 10 साल तक मैन्युफैक्चरिंग वारंटी में आता है, और 10 से लगाकर 25 साल यानी कि 15 साल जो ऊपर है उसमें परफॉर्मेंस वारंटी में आता है। एक कंडीशन और यहाँ पर होती है जो कोई नहीं बताता है आपको, वो होती है कि इसमें कुछ परफॉर्मेंस लेवल कम होता है, वो भी एक कंडीशन में आता है, यानी कि 10 साल तक इसमें 90% परफॉर्मेंस रहता है, और उसके बाद में 10 साल से लेकर 25 साल जो 15 साल है वो उसमें 80% रहता है, यानी कि 90 और 80% से अगर कम होता है तो आपको वारंटी क्लेम मिलता है। प्राइस, सबसे पहला ही सवाल रहता है कि आप सोलर पैनल की कीमत नहीं बताते हैं। सोलर पैनल की कीमत इसलिए नहीं बताते हैं कि हर कंपनी का सोलर मॉड्यूल अलग अलग प्राइस में बिकता है। आप एक पैनल खरीदते हैं तो उसकी प्राइस ज्यादा लगती है, आप 10 पैनल खरीदते हैं या फिर 100 किलोवाट खरीदते हैं तो उसकी प्राइस कम लगती है। यहां पर ये जो सोलर मॉड्यूल है वो वारी कंपनी 11,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए तक आपको देती है, यानी कि इसकी प्राइस 11,000 रुपए है मात्र। अब बात आती है खरीदना कैसे है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप परचेस कर सकते हैं, साथ ही आप ई कॉमर्स साइट जितने भी हैं वहां जाकर परचेस कर सकते हैं, और आपके नियरेस्ट अगर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वारी कंपनी के आप उनसे भी संपर्क करके खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाकर हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।